सात जो डबल सेंचुरी आया वो इंडियन प्लेयर्स की हैं 10 में से, तो तीन तो रोहित शर्मा की हैं, और उसके बाद जो है वीरेंद्र सहवाग हैं, वीरेंद्र सहवाग के बाद सचिन तेंदुलकर हैं, फिर उसके बाद ईशान किशन आए, अभी महीना भी नहीं गुजरा था तो लेटेस्ट सेंसेशन जो है वो शुभमन गिल आ गए। इतने कम मैचेस में 200 कर दी, एक डबल सेंचुरी कर दी है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है शुभमन गिल के लिए। मेरे ख्याल से कमाल की बैटिंग की है। Why India is dominating this 200 club, जो कि एक यूनिक क्लब है स्पेशली 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर, तो उसकी वजह ये है। यही मेरे ख्याल से मैच्योरिटी है, जो अगर ग्रेट प्लेयरों में आते हैं, जो वर्ल्ड में स्टार बनते हैं ना, जो नेक्स्ट विराट कोहली के बाद जो वर्ल्ड क्रिकेट में यंग बच्चों में जो एक मेरे ख्याल से मोटिवेशन है ना, वो ऐसी परफॉर्मेंस होती है। जहां बहुत अच्छा लगा गिल को देख के, क्या आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले, टाइम किया, रेकलेस नहीं खेले, सामने से विकेट गिरने का प्रेशर नहीं लिया, इतनी यंग एज में इतना ज्यादा एक अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल की, और जितने उसने शॉट दिखाए हैं कल, जो उसने छक्के मारे हैं, जो उसने फास्ट बॉलरों को खेला है, जो स्पिनर्स को खेला है, जो ऑफ फ्रंट फुट बैक फुट फीट का यूज, एवरीथिंग इज देयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शुभमन गिल द्वारा बनाए गए 208 रन, दोस्तों यह स्कोर किसी टेस्ट मैच का नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले ओडीआई का है। शुभमन गिल आज की पारी के बाद उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें रोहित शर्मा का नाम पहले से ही दर्ज था। 9 छक्के और 19 चौके, मतलब आज का दिन शुभमन गिल के नाम रहा। अगर आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन की बजाय शुभमन गिल से ओपन कराया तो गिल ने भी उसे सही साबित किया। शुभमन गिल की आज की पारी के बाद पाकिस्तान मीडिया भारतीय बल्लेबाजों का फैन होकर रह गया है और कह रहा है कि अब भारतीय बल्लेबाज दुनिया भर की क्रिकेट में राज करेंगे। पाकिस्तान मीडिया और क्या कह रहा है, देखते हैं यह वीडियो। धन्यवाद। इतने कम मैचेस में 200 कर दी, एक डबल सेंचुरी कर दी है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है शुभमन गिल के लिए। मेरे ख्याल से कमाल की बैटिंग की है, कमाल की इनिंग्स खेली है गिल ने। जब हार्दिक पांड्या आउट हो गया, 16-17 ओवर रहते थे, आउट हो जाता वहां पे 120 130 रन बना के, तो इंडियन टीम ज्यादा ज्यादा 280 290 रन बनाती। कमाल की गेम अवेयरनेस थी, पूरा गया एंड तक, लास्ट ओवर तक गया। उसके बाद आप देखें कि 200 रन उसने बना दी है, और यही मेरे ख्याल से मैच्योरिटी है, जो अगर ग्रेट प्लेयरों में आते हैं, जो वर्ल्ड में स्टार बनते हैं ना, जो नेक्स्ट विराट कोहली के बाद जो वर्ल्ड क्रिकेट में यंग बच्चों में जो एक मेरे ख्याल से मोटिवेशन है ना, वो ऐसी परफॉर्मेंस होती है, ऐसी बैटिंग होती है जो सीखते हैं, ऐसी इनिंग सिचुएशन के मुताबिक उसने बैटिंग की है, अपनी टीम के लिए की है, और कहाँ से टीम को कहाँ पे खड़ा किया और टोटल कितना बड़ा किया, और 350 रन्स। आप कोई सोच सकता है कि सेकंड हाईएस्ट कोई 70 नहीं है, कोई 50 नहीं है, तो 350 रन्स हो गए हैं। तो ये कमाल की बैटिंग है, कमाल की परफॉर्मेंस है, उसका अपना टैलेंट है, मैच्योरिटी है, और देखें कि कितनी जल्दी कितने कम टाइम पे उसने ये चीज़ ऐसी की है जो एक ग्रेट प्लेयरों में कोई 100 या 150 मैचेस के बाद आती है। तो जो उसने 19वें मैच में कर दिखाया, मजा आया बैटिंग देखने का। उसके बाद फिर बॉलिंग बेबस लग रही थी न्यूजीलैंड टीम की, आप देखें फॉकनर 77 रन हुए हैं। जहां बहुत अच्छा लगा गिल को देख के, क्या आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले, टाइम किया, रेकलेस नहीं खेले, सामने से विकेट गिरने का प्रेशर नहीं लिया, इतनी यंग एज में इतना ज्यादा एक अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल की, और जिस खूबसूरती के साथ की, जितना कंट्रोल बैटिंग में था, इसकी वजह एक्सपोजर ही है एट अ वेरी यंग एज एंड ऑल्सो द राइट पाथवे। और जितने उसने शॉट दिखाए हैं कल, जो उसने छक्के मारे हैं, जो उसने फास्ट बॉलरों को खेला है, जो स्पिनर्स को खेला है, जो ऑफ फ्रंट फुट बैक फुट फीट का यूज, एवरीथिंग इज देयर। अभी आपने बात की कि सात जो डबल सेंचुरी हैं वो इंडियन प्लेयर्स की हैं 10 में से, तो तीन तो रोहित शर्मा की हैं, और उसके बाद जो है वीरेंद्र सहवाग हैं, वीरेंद्र सहवाग के बाद सचिन तेंदुलकर हैं, फिर उसके बाद ईशान किशन आए, अभी महीना भी नहीं गुजरा था तो लेटेस्ट सेंसेशन जो है वो शुभमन गिल आ गए। तो बात यह है कि ये जो डोमिनेशन है कह लें इसको, या लंबी इनिंग खेलने की स्किल कह लें, या हाई लेवल की स्किल है, या टेम्परमेंट कह लें, या पेस किस तरह इसकी बनानी है, या इतना लंबा जो कंसंट्रेशन स्पैन है
जिसमें स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, लाइक पैनिक भी नहीं है, चाहे सामने से विकेटें गिर रही हैं, तो ये तमाम और इसके साथ बैटिंग करने की कैपेसिटी जो है, लंबी बैटिंग करने की कैपेसिटी जो है, जाहिर है छोटे टाइम में तो 200 रन होने नहीं लगे, 50 ओवर खेलने पड़े उन्हें तकरीबन, तो ये सारा कुछ जो है जिसमें फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन स्पैन, ठीक है, जिसमें शॉर्ट सिलेक्शन, एक्सटेंडेड शॉर्ट सिलेक्शन, डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम है, डिफरेंट प्रेशर्स हैं, सामने से विकेट्स गिर रही हैं, पार्टनरशिप टूट रही है, रीस्टार्ट हो रही है, तो ये सारी जो स्किल देखने में मिल रही है उसमें 10 में से 7 हैं, तो इसका मतलब 70% डोमिनेशन हो गई ना। तो ये हम बैटिंग डोमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक के इसके पीछे जो जूनियर लेवल के ऊपर लंबे फॉर्मेट के ऊपर अपने बच्चों को स्किल सिखाने का जो तरीका है ना, आई थिंक वो इसका राज है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो जब वो स्कूल क्रिकेट से 3 दिन का मैच खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो एम है वो लंबा वक्त गुजारना है विकेट के ऊपर, और जब आप लंबा वक्त गुजारते हैं और हरी में नहीं होते से, तो फिर आप शॉर्ट सिलेक्शन आपकी बेहतर होती है, क्योंकि जब बैट बॉल आता है आप उस पर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा बॉल आता है आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप डिफरेंट फेजेस जो है, नया बॉल हो गया या पिच अगर पहले सेशन में मुश्किल है या कोई बॉलर अच्छा स्पेल कर रहा है, आप उसको गुजारने का आर्ट आप सीखने लगते हैं। ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है रिगार्डिंग व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग दिस 200 क्लब, जो कि एक यूनिक क्लब है स्पेशली 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर, तो उसकी वजह यह है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो जिस तरह की क्रिकेट उन्हें मिल रही है, वो टेम्परमेंट बिल्डिंग कर रही है, वो उनकी कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ा रही है, वो उनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रही है, वो उनको उतनी देर खड़े रहने की स्ट्रेंथ उनकी बढ़ा रही है, और फिर ऑब्जर्वेशन, जितना टाइम आप दोबारा गुजारेंगे, अगर कई ध्यान और फील्ड में चला भी जाए तो फिर वापस मैच में आता है, क्योंकि दिन तो गुजारना है उसमें, 3 दिन तो गुजारने हैं उसमें। तो मेरा ये ख्याल है कि वो ना चाहते हुए भी आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाती है और आप जो है आप ज्यादा चीजों को अडॉप्ट करने लगते हैं, आप ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं अपनी थॉट्स के अंदर, अपनी कह लीजिए कि अनकॉन्शियस के अंदर, आप ओवरऑल ग्रोथ एज अ क्रिकेटर आपकी बेहतर है अगर आप बचपन में टीन एज के अंदर लंबे दिन की क्रिकेट खेल, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, और इसका ये इसका मुंह बोलता सबूत है, आंखों देखा हाल है ये इसका, और सबके सामने है, अगर अभी भी कोई इसको ना माने तो फिर उसकी अकल पे तो शक किया जा सकता है, लेकिन इस सिस्टम पे शक करना नहीं बनता, क्योंकि ये यही इसका प्रोसेस है, और इसके अंदर जो है कोई कह लीजिए कि कोई दो राय नहीं, नजर नहीं आती, इसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती।